से भी लोगों को गुजारिश की जा रही है कि हम हिंदू मुस्लिम और सिख जयावादी एक साथ रहते हैं और पुरानी रवायत को जिंदा रखना चाहते हैं। परवरदिगारा अशद सुचित आयत जस कदीम रवायत और परवरदिगारा अश थाव सुमान मोहब्बत पन बराबर परवरदिगारा अश थाव सु बेकर शहादा बेकर शहादा परवरदिगारा जुलूम से तुम मुसलमान का जुलूम से परवरदिगारा इस मुसलमान विकनस तशद्दुद छु जुलूम छु परवरदिगारा जुलूम तशद्दुद कर परवरदिगारा जुलूम तशद्दुद कर कोई मालूम करी नहीं है ये थी कि कश्मीर एक रिशवारी है जिसमें महबूबुल आलम हज़रत शेख नूरुद्दीन वली हज़रत मीर सैयद अली हमदानी हज़रत पीरी पीरान की सत्रहवीं पुश्तनी पुश्त है। इन्होंने हमें तालीम दी है कि यहाँ पर मुसलमानों हिंदुओं सिखों का भाईचारा आपस में हर वक्त उन्हें रवादारी रखी है, जिसके लिए हम लोगों से भी खुसूसन तमाम लोगों से जम्मू कश्मीर के लोगों से ये इल्तिमास करते हैं कि रवादारी मुसलमानी हिंदुइज्म वगैरह इनके साथ बिल्कुल बराबर रखें। हम ये मैसेज देंगे कि उनके लिए कोई खौफ डर नहीं है, अगर वो यहाँ पर रह सकते हैं कि उनके लिए कोई खौफ नहीं है, वो हमारे दोष बदोष हमारे दोस्त हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त मेहमानदारी का सबूत दे रहा है, चाहे हिंदुस्तान के यहाँ आते हैं या बाकी मुल्कों के लोग यहाँ आते हैं, हम उनको बिल्कुल इस्लामी रिवायत के मुताबिक उनके साथ अच्छा सलूक अच्छा बर्ताव करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर मस्जिदों में दरगाहों में हमने ये ऐलान किया मुसलमान हिंदू सिख हम बराबर भाईचारे के लायक हैं, क्योंकि इसके लिए उनका कोई ख़तरा नहीं रहना चाहिए। ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हाल ही दिनों में जो वाक़ा पेश हुआ है ऐसे वाक़े की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और आज हमने बाकायदा यहाँ पे भी इस दरगाह से भी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जोर दिया है कि किस तरह भाईचारा को हमने सदियों से आपसी तालमेल को बनाए रखने में हमने कितनी जुदोजहद की है, और हमने यहाँ से आज वाजह पैगाम दिया है कि भाईचारे को कायम रखने के लिए मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब जो है एक मिलकर एक जुटकर जुट होकर एक शाना बशाना एक दूसरे के काम आए, ताकि जो ये सोसाइटी है जो ये कंट्री है आगे इसको हम आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनको कहीं भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ जो भाईचारा है वो बिल्कुल हम उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं, उनको कहीं जाने पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये जगह जो है कश्मीर जो है सूफियों की बुज़ुर्गों की ये जगह है, यहाँ बिल्कुल वो सही सलामत रहेंगे, और जिस तरह वो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं उनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बात पे उनको वाजह करते हैं कि आप मेहरबानी करके अपने वतन को अपने इस मादरे वतन को छोड़ के ना जाए, आपकी ये सरजमीन है, आप हम सब की ये जो कश्मीर वादी कश्मीर है ये हम सब की है, इसको मिल बैठ के आगे ले जाने में हम अपना रोल जो है अदा कर सकें। जिस तरह से जो मज़हब में लोग इंकशार डालने की कोशिश करते हैं, हमारा मज़हब जो है वो कतई इजाज़त नहीं देता है कि ऐसा वाक़या जो है वो दोबारा पेश ना आए। यही मैसेज देना चाहिए, हमको ये मतलब भाईचारा यहाँ आज से 50 साल चल रहा है, इस वक्त भी वही हमको वो मतलब उसके साथ कोई गर्ज नहीं, मतलब क्या कि ये मैंने पहले भी बोला इनको जो ये सब नेतों में है ये कश्मीर, अगर इस वक्त भी कोई आएगा वहाँ का विचर्ज आएगा मतलब हम उनको खिदमत करता है, मतलब वो भाईचारा हमारा आज से पहले रह गया 50 साल से,
हमारा तो यही कश्मीर का यही मतलब रह गया यहाँ भाईचारा है। सबकी जो अश्क रसूल होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उनकी बीट होती है, जो एतिकाद वाला जो पूरा अंदर दिल साफ होगा नियत साफ होगा वही यहाँ आता है। ये शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने हमको दर्द सिखाया ये भाईचारा।